बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, जहां पर आए दिन सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते ही रहते हैं। वहीं एक बार फिर से ग्रामीणों ने इन पर भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि जिले की पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली अलवार पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर फर्जी तरीके से बिल लगाकर राशि निकालने के आरोप लगाए गए हैं। गेंदा सिंह, गेंदा सिंह, क्या समस्या है? समस्या यही है सर, मनरेगा का पैसा नहीं चढ़ा। बस, और मकान बन गया क्या आपका? हाँ, मकान के मनरेगा का कि रोड और सड़क का? नहीं, मकान का। मकान का? हाँ, मकान पूरी बन गई? पूरे बन गया सर। तो किस चीज़ का पैसा रुक? मेरा नाम तो कबूल सिंह नाम है ना। क्या बनवा रहे हैं आप? भाई आप बताएं। पुलिया बनवा रहे हैं? पुलिया, पुलिया बनवा रहे हैं? हाँ। कितने में उनका छत डलवाए हैं? नहीं डाला है, है ना? कौन मांग रहा है आपको पता है? उप सरपंच मांग रहा है, लेकिन यहाँ तक ग्रामीण आप पे आरोप लगाए हैं कि हाँ। सरपंच पैसे मांग रही है, सचिव पैसे मांग रही है, हाँ, आरोप लगाया। हर विकास पे पैसे मांगे जा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ। सरपंच सर... तो गरीबी स्थिति है तब करवा थन तो वो नहीं कर पाऊँ। क्या नहीं हो पा रहा है? मेड़बंधान नहीं गया है। मेड़बंधान नहीं हो रहा है? हाँ। कुछ पैसे तो नहीं मांग रहे? पैसों मांग लेते हैं था। कितना पैसे दिए हैं? कभी 100 रुपया, कभी 200। कौन मांगता है ये पैसा? सेक्रेटरी। क्या नाम है उनका? तो बता दें कि ये पूरी खबर अनूपपुर से है, जहां पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर कई तरह के गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह हमारे साथ में जुड़ गए। ओमकार सिंह, आपसे सीधा सवाल यही जानना चाहूंगा कि रोजगार जो सहायक सचिव है, सरपंच है, और इन पर किस प्रकार के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, जो अलवार पंचायत है पुष्पराजगढ़ का, दूरस्थ इलाका होने के चलते कोई भी जांच अधिकारी जाना नहीं चाहता जी। और अब भी वहां पर जो है ग्रामीण जन है, मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है जी। वहां पर सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है, सिर्फ पुलिया बनवाया जा रहा है जी। अब पुलिया से क्या, बिना छड़ के पुलिया बनवाया जा रहा है? जब उन्होंने मेट से पूछे कि आप ये क्या है, तो बोलते हैं पुल बन रहा है, मतलब छड़ कहा, तो बोलते हैं मैडम सिर्फ पुलिया बनवा रही है। सचिव साहब किरण जी जो है, पहले भी उनसे भ्रष्टाचार का आरोप लग चुके हैं, लेकिन उनको अभयदान पे अभयदान ही मिलते जा रहा है। लेकिन ओंकार जी, सवाल यहाँ पर ये और है कि जीआरएस जो है रोजगार सहायक के ऊपर हम बता देना चाहें कि पंचायत की जो टीवी होती है सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जी, वो अपने घर पे संचालित कर रहे हैं। और सरपंच की बात हम बता दें तो सरपंच जी खुद महिला सरपंच है, उनके पति होने के नाते वो खुद अपने हाथों से सारे दस्तखत करते हैं, पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते जी। बिल्कुल ओंकार जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जब पुलिया बनवाई जा रही है और जैसा कि ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राशि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने निकाली है, तो क्या सड़क की स्वीकृति मिल चुकी है प्रशासन की तरफ से? क्या सड़क के नाम पर पैसे डाल दिए गए हैं? नहीं मिली है, क्योंकि सड़क नहीं थी, सड़क पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पुलिया पर ध्यान दिया जा रहा है जी। तो पुलिया के नाम पर ही राशि निकाली गई है जी? बिल्कुल, एक जगह पुलिया बनाया गया है 5 लाख का, जिस इसमें सिर्फ घोड़ा लगा दिया गया है और पानी बिल्कुल पास नहीं हो रहा है, जिसको देख के लग रहा है 50,000 से ज्यादा की राशि में कोई लागत नहीं लगी है उससे जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए ओंकार जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको अनूपपुर से बता रहे हैं, जहां पर अनूपपुर जिले में आए दिन सचिव, सरपंच और रोजगार सहायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने एक बार फिर से इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले अलवार पंचायत में रोजगार सहायक और सरपंच, सचिव फर्जी तरीके से राशि निकालकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए हैं।